हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नए टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आए वह सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि आप ट्रूकॉलर के ऊपर किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। गाइस, ट्रूकॉलर के अंदर आप किसी को भी बड़े आसानी से ब्लॉक कर सकते हो, बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप ट्रूकॉलर के अंदर किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, तो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो गाइस, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर जहाँ कहीं भी ट्रूकॉलर एप्लीकेशन है, आपको सिंपली उसे ढूंढ के ओपन कर लेना है। मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो, तो ये रहा ट्रूकॉलर। आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी आप इसे नॉर्मली ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में गाइस, जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो अब आप जिसको भी ब्लॉक करना चाहते हो, आपको सिंपली उस ब्लॉक करने वाले उसकी आईडी को ढूंढ लेना है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इस बंदे को ओपन कर लिया। अब गाइस, जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडिट का, कि ब्लॉक का। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस, यह पर्सन है जो आपका यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो गाइस, आप कुछ इस प्रकार अपने ट्रूकॉलर एप्लीकेशन के अंदर किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। आई होप आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा होगा एंड तक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। आपको समझ आ गया तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।